इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणे राव राजस्थान मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद श्रीमती गीता निश्चित ओवरसीज। नमो अरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्जायाण, नमो लोये संवसाहूण, एषो पंच नमोकारो सर्व पाव पनाशनो मंगलानं च सर्वेषीं परमं हवै मंगलम। अब आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन का एक ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य है पव्वा दिनेषु पौषधो नोहेय, पौषध उपवासेन तिष्ठन्ति पर्ववासरे अंतिम वो राजर्षि धन्यास्ते गृहिण वोपी। महापुरुषों ने बताया कि सावक जीवन बड़ा अमूल्य मिला है, आप ग्रस्त हो, आप 24 कलाक नहीं कर सकते हो धर्म क्रिया, आप समय समय पर और समय समय पर पहुंच भी नहीं सकते हो, ऐसा आपका पराधीन जीवन है, बना दिया है पराधीन जीवन आप लोगों ने बना दिया है। और हम लोग कहते कि पराधीन मत बनो, स्वतंत्र रहो धर्म क्रिया के लिए, जब समय हो जाए और जब मन हो जाए ना तुम धर्म क्रिया कर लो, क्योंकि उठाने वाला जब आएगा ने तब वो अपन को एक क्षण भी देने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि पव्वे सुपोषा वयम, पर्व के दिन अवश्य श्रावक पौषध करे। पौषध यानी दिन का पौषध होता है, रात का भी होता है, और पर्वाधिराज पर्यटन पर्व के दिनों में 8-8 दिन तक आप जाओ गुजराती संघों के अंदर, गौड़ी जी में 100-100 पौषध, बोरीवली में 100-100 पौषध, सर्वोदय नगर मुलुंड में 100-100 पौषध, गोरेगांव में ऐसी ऐसी जगह पर जाएंगे आपको 100-100 पौषध 8-8 दिन मिलेंगे। और 2000 घर का गांव हो मारवाड़ी समाज का तो वहाँ 20 पौषध भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो 1000-2000 की प्रभावना रखी हो अने 200 पोसा हो जाए तो चीज़ अलग है। बाकी आप देखो जो लोग करने वाले जो करते हैं वो कैसे भी करके किए बिना रहते हैं। दुनिया में प्रतिज्ञा है कि बस मुझे मेरे जीवन में मेरा आत्मा का शुद्धिकरण करना है, संसार में टाइम नहीं निकालोगे तो जिंदगी भर मिलने वाला नहीं है, ऊपर वाला ऐसा टाइम देगा एक दिन कि आपको सोचने का भी समय मिलेगा नहीं, और बेटा को कुछ कहना है वो कहने का भी मुख खुलेगा नहीं। इसलिए कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, खिला पिला कर देह बढ़ाई, यह भी अग्नि में जलाना है। यह भी कहाँ जलानी है? अग्नि में जलाना है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा जगत सपना है, इसलिए रामायण में भी यही बातें लिखी है, महावीर ने भी यही बातें लिखी है। तो इन महान पुरुषों को पकड़ो, दूसरे आजकल के पुरुषों को ठीक है विनय विवेक से उनको पूजो नमस्कार करो, मगर संप्रदायवाद में मत पड़ो कभी भी। पर्व के दिवस में
अवश्य पौषद व्रत करना चाहिए। पर्व के दिनों में जो भी गृहस्थ पौषद उपवास करते हैं वह अपने जीवन के अंदर बड़ा ही जबरदस्त पुण्य मानते हैं, काय का अनुमोदना का। शॉर्ट में कहूं कि पौषद यानी समण एवं सावव, सावक जो है वो जितना दिन पौषद लेता है उतने दिन समण एव यानी साधु साध्वी जी पूरी जिंदगी पर्यंत पौषद में है। हमारा पौषद कौन सा है? जिंदगी पर्यंत का। आपका पौषद कितना होता है? एक दिन का, एक रात्रि का, 12 घंटे का, 48 घंटे का, बहुत बहुत तो पर्युषण के 8 दिन का, और आगे बढ़ेंगे तो उपदान तप करेंगे तो 47 दिन का। उससे ज़्यादा सावक जीवन में पौषद का बहुत बड़ा ही आपको योग मिलता नहीं है। तो इस पौषद व्रत में आने से, एक दिन दो दिन पौषद करने से समणो एव यानी हमारे गुरु भगवंत, हमारे साधु साध्वी जी, हमारे छोटे छोटे बाल मुनि, छोटी छोटी साध्वियाँ जिन्होंने डल्लभ की गादियाँ कभी छोड़ी नहीं है, ऐसे कभी त्यागी नहीं है, मौज मजा कभी छोड़ी नहीं है, ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हमारे साथ विहारों में पदयात्रा में साल दो साल रहते हैं, कष्ट सहन करते हैं, कभी कोई गांवों में रसोड़े नहीं होते, भूखा रहना पड़ता है, फिर एक साल दो साल के बाद वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा में भी कभी नौकरशी के टाइम पे तो पहुँचे तो ठीक है, और नौकरशी के टाइम के बाद पहुँचे तो रसोड़ा वाले करते महाराज नौकरशी का टाइम पूरा हो गया तो साठ पुरसी करनी पड़ती है, फिर सिर दर्द भी होता है मेरे जैसे को तो, क्योंकि अभी आदत पड़ी हुई होती है चाय की तो वो सहन करना पड़ता है, वो तो हुई है विहारों की बात। और फिर आपके गादी ने तकिया छोड़कर भूमि के ऊपर सोना, मच्छर आए, माकड़ आए, और कभी जंगलों में ऐसे उपास रहे हो तो नाग देवता भी आ जाते हैं, वहाँ भी चक्कर मारते सुख शादा पूछने आते हो, वो हमको काटते नहीं है, सुख शादा पूछने आते हैं, डर जाते हैं तो फिर ओ हाँ हाँ यूँ कर लेते, पर डरना नहीं कभी भी, खड़े रह जाने का, औसत गर्म सुनाने का, तो अभी धीमे धीमे एक जगह बैठकर ऐसे ऐसे नाचते कूदते हाँ आशीर्वाद देते, पर तुम दौड़ा दौड़ी करोगे तो अभी दौड़ेंगे, पर वो अपन खड़े रहकर नमो इंतान हमने औसत गर्म बोलेंगे ना तो अभी शांत हो जाते। तो ऐसी ऐसी कसौटी हमारे साधु साध्वी जी कर्नाटक तमिल आंध्र प्रदेश गुजरात कच्छ है, नगर से निकलो सिंहद्री तक 50-60 किलोमीटर होता है, एक भी जैन का घर नहीं आता है, एक भी उपासना नहीं आता है, सिंहद्री से निकलो नाकोड़ा तक फिर बालोतरा तक कुछ नहीं आता है, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे साधु साध्वी जी जिंदगी पर्यंत ऐसे कष्ट सहन करते हैं। तो आप पौषद करो ने तो आपको मालूम पड़े कि एक दिन की रात्रि हमने उपासना में बिताई तो इतना नींद नहीं आई, हवा नहीं आई, मच्छर काटे, सुबह जल्दीबाजी पोसो पड़ा हो है तब अपन को हवे कि हवा हवा धन्य है इन जैन साधु साध्वियों को। 6 साल के 12 साल के 11 साल के छोटे मोटे बाल मुनि होते, बाल साध्वियाँ होती है, 80-90 साल के वृद्ध साधु साध्वी होते हैं, बीमारी वाले होते हैं, सारी जिंदगी सहन करते हैं, इसलिए फिर अपन को उनके प्रति पूज्य भाव पैदा होता है, भक्ति भाव पैदा होता है, इन संतों की भक्ति करने का मन होता है। इसलिए छेले दिन का एक खास कर्तव्य श्रावकों को कहाँ बताया कि श्रावक को पर्युषण में पौषद 8 दिन करना चाहिए, 8 दिन न कर सकते हो तो तेला करके 3 दिन करना चाहिए, 3 दिन न कर सकते तो बेला करके 2 दिन करना चाहिए, और 2 दिन नहीं कर सकते हो तो संवत्सरी के दिन तो करना ही चाहिए। अरे जो बड़े बड़े लोग करेंगे ने तो उनको लगेगा आज के साधु धर्म कितना कठिन है, कठिन धर्म में 10,000-20,000 साधु संतों में से 2-5 साधु संत घड़े फूट गए, 2-4 घड़े फूट गए, तो फूटे हुए घड़े को कोई अपन रखना थोड़ा है, फूटे हुए घड़े को तो बाहर फेंका जाता है, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। आपके घर में भी कोई घड़ा फूट जाए तो क्या आप 100 कैसे में रखते हो, फेंक देते हो, बस वैसे ही है संसार में, ये तो अनादिकाल से चलता है और चलने वाला है। इसलिए पौषद वरम अन्नम पानम औषधम बहुविधम धर्म ध्वज कम्बलम वस्त्राम पात्रम उपास विविधो दंडाधि धर्मापधि
शस्त्रम पुस्तक पिटिकादि गढ़ दे धर्माय चापरम देयम दान विचक्षणे तदखिलम मोक्षार्थिने भिक्षणे। इसलिए धर्मी तो वही है, शासन का प्रेमी वही है, धर्म का प्रभावक वही है कि जो हमेशा अपने शासन की प्रभावना के लिए कोई गलत काम एक जगह हो गया है उसको कैसे दबाना, उसका रास्ता निकाल कर वापिस ऐसा पुनरावर्तन न होवे ऐसा रास्ता निकाले, वो गंभीर शावक कहा जाता है। इसलिए वैसे गंभीर शावक क्या करते हैं, अन्न के द्वारा, पान के द्वारा, औषध के द्वारा, बहुविध अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों के द्वारा धर्म ध्वजा, शासन का ध्वजा लहराते रहे। कमलम वस्त्रम पात्रम उपासनायश्च, कंबल वस्त्र उपासनाय विविध प्रकार के उपकरण के साधनों को लाकर ज्यादा में ज्यादा लोग जुड़े वैसा वो लोग काम करने के लिए तत्पर रहते। इसलिए मानो ऐसा पौषध व्रत आज बताया है। आज का जो छेलना कर्तव्य है पौषध जरूर करो, समा का पर्व है ये, प्रायश्चित का पर्व है। बिना पौषध किए प्रायश्चित कहाँ से होगा, बिना पौषध किए साधु जीवन का स्वाद कहाँ से आएगा है। जब आप पढ़ते हो समय सावो अभि जम्मा ए अनम काले अनम है, आज तक भी बहुत सारे कारणों के हिसाब से हम नहीं ले पाए हैं, मगर पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व में संवत्सरी के दिन तो है करे, ठीक है अभी सरकारी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कोई पब्लिक नहीं है, मगर घर बैठे बैठे भी अपन अपने धर्म क्रियाएं अवश्य कर सकते। क्षण अपि सज्जन संगति रेखा भवति भवानो तरणम नौका, एक क्षण के लिए भी सज्जन व्यक्ति की संगति करने में आवे तो अपन अपना ये जो जहाज है भव रूपी समुद्र का वो तैर जाता है। तो अंतरपट की डबी में पारसमणि यदि रखने में आवे ने तो पारसमणि लोखंड को क्या बना देता है, सोना बना देता है। बस वैसे ही एवं ऋत स्थिते भक्त्या सप्तक्षेत्रम धनम अपन दया च अति दीनेशु महाश्रावक इति उच्यते। महाश्रावक को कहा जाता है जो इस तरह से व्रत में रहता है, खाई चढ़ावा बोल दिया ने महादानवीर बन गया, संघ का आगेवान बन गया, संघ का अध्यक्ष बन गया, संघ का बड़ा वडिल बन गया, कुछ नहीं है वो दिखावा है, वो खाली संपत्ति का प्रदर्शन है, मगर महाश्रावक को है भक्तिपूर्वक एवं व्रत स्थिता, व्रत भी करने वाला होना चाहिए, भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीने का भी जीवन में भाव होना चाहिए, नहीं तो कर्म राजा खाली पैसों का दुरुपयोग, पैसों का प्रदर्शन, रात्रि भोजनों का प्रचार जितना ज़्यादा करते हैं उनको कर्म राजा अवश्य शिक्षा देने वाला ही है और देता ही है। ठीक है देव गुरुओं की उनके ऊपर कृपा होती है, गुरुओं को थोड़ी दया होती है, कारण के गुरुओं का हृदय दयालु होता है तो वो ऐसे लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत दुआ करते हैं। क्यों करते हैं कि ऊपर वालों ने उनको धन दिया है तो वो धन गलत जगह जा रहा है तो थोड़ा बहुत अच्छी जगह पर भी लग जाए तो लोक कल्याण हो जाए, इसलिए देव गुरु की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर रहती है। बाकी जो व्रत नियम करते हैं सात क्षेत्रों में धन को वापरते हैं, दया चति दीनेशु गरीबों के ऊपर दया रखते हैं, वो महाश्रावक उच्यते, उनको महाश्रावक कहा जाता है। इसलिए पुण्यवानो जीवन के अंदर पौषध यानि मौन, पौषधशाला में जमा होकर पौषध लेकर गप्पे नहीं मारने हैं, बातें चीतें नहीं करनी है, वहाँ तो इस जीव को शिक्षा देनी है। तो 24 घंटा बोले है हमें 48 घंटा तो थारे बंद रह थू, हाँ मित्र पर शत्रु बनतो जीव तनी एक बात थी, न शत्रु पर मित्र बनतो जीव तनी एक ताकत थी। बस इस तरह से सुब्रत श्रेष्ठी ने पौषध किया, कई पुण्य वालों ने अपने जीवन में पौषध किए और अपनी आत्मा का कल्याण किया है। तो आप लोग भी अपने जीवन के अंदर इन सामायिकों को, इन प्रतिक्रमणों को, इन पौषधों को जीवन में वणो लावो
क्रिया में थोड़ी रुचि लाओ। पूरे दिन 24 घंटा धन और धंधा के पीछे मत रहो, 48 कलाक में एक सामायिक अवश्य करो तो हमको लगेगा कि हमारा श्रावक है, बाकी लगेगा कि बनिया है। बनिया का 24 घंटा धंधा में जाता है, पैसों का लेन देन में जाता है, मगर श्रावक होता है ने वो सामायिक में समय थोड़ा निकालता है। चार जात की सामायिक बताइए, चार जात की सामायिक में सूत्र सामायिक, खाली सामायिक नहीं कर सकते हो तो जिन वाणी का श्रवण करो, भगवान की वाणी का श्रवण करो, स्वाध्याय करो, उसको बोला जाता है श्रुत सामायिक। सम्यक तो सामायिक दूसरी, परमात्मा ने और गुरुओं ने कही हुई प्रेम दया करुणा और मैत्री की बातों को दिल में रखो, वो है कौन सी सामायिक, सम्यक तो सामायिक। तीसरी है देशवृत्ति सामायिक, प्रभु की आज्ञा का पालन करने का पूरे पूरा प्रयत्न करना, वो है देशवृत्ति सामायिक। और सर्ववृत्ति सामायिक यानी फिर हमारे साथ आ जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणे राव राजस्थान मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद श्रीमती गीता, निशित ओवरसीज़।